नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे मंत्री जी द्वारा यहां पर 1,30,000 पदों पर पंपर भर्ती के लिए ऑफिशियल न्यूज जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूं। और दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव भी है, क्योंकि यहां पर जो भर्ती निकाली जा रही है 1,30,000 पदों पर, इसके लिए अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट जो भी है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर उनको यहां पर नौकरी का मौका नहीं दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये अपडेट मैं आपको पूरी बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो हम डालते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों आपसे शिकायत रहती है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इनकी जानकारी हो और वो भी आवेदन कर सके। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों यहां पर हम सीधा लाइव हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर आप देखते हैं रेलवे मंत्री पीयूष गोयल बोले, रेलवे में 1,25,000 नौकरी के अवसर। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है 16 नवंबर की। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर रेलवे मंत्री जी द्वारा यहां पर खुद के द्वारा यहां पर भर्ती की जो है पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको पूरी अपडेट के बारे में बताता हूं। यहां पर सबसे बड़ी अपडेट है कि अप्रेंटिस करने वालों को नौकरी देने का वादा नहीं। जी हां दोस्तों, यहां पर रेलवे मंत्री जी द्वारा यहां पर साफ साफ बताया, पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे कर्मी परिवार की तरह काम करें। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस करने वाले कुछ प्रशिक्षुओं को रेलवे में नौकरी मिल गई थी जो समान अवसर को नहीं दर्शाती, इसके चलते उन्हें निकाला गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसा फैसला हुआ है। अप्रेंटिस को लेकर दुष्प्रचार हो रहा है, अप्रेंटिस से नौकरी मिलेगी यह पक्का नहीं है। हां उनके पास मौका ज्यादा है। रेलवे में करीब 1,30,000 नौकरी के अवसर हैं, इसमें कुछ प्रशिक्षित अप्रेंटिस वालों को दिया गया है, इसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा दी गई ऑफिशियली अपडेट, जिसमें 1,30,000 नई नौकरी के अवसर दिए जाएंगे और यहां पर अप्रेंटिस वालों को यहां पर नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी हुई अपडेट आपको पल पल की मिलते रहे, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन दबाएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी हो। जी हां दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।